जय हिंद डियर स्टूडेंट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से क्वेश्चन है। एयर इज फिल्ड एट 60 डिग्री इन अ बेसल ऑफ ओपन माउथ। देखो बेटे, यहां पर इस बात को अंडरलाइन कर लेते हैं, ओपन माउथ। ओपन माउथ द बेसल इज हीटेड टू अ टेम्परेचर टी सो दैट 1/4 पार्ट ऑफ एयर एस्केप। एज्यूमिंग द वॉल्यूम ऑफ द बेसल रिमेनिंग कॉन्स्टेंट द वैल्यू ऑफ टी इज। देखो जो यहां पर कह रहा है, पहले शो करो। एक हम बेसल बना लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा बेसल है और इस बेसल में एयर भरा हुआ है, ये एयर भरा हुआ है, ये एयर भरा हुआ है, सपोज कर लेते हैं ये एयर भरा हुआ है, और इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना है बेटे, T1 इक्वल टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि T1 को अगर हम और सही से लिखे ना एब्सोल्यूट में, तो 273 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 3 हो जाएगा और 7 6 13 और 2 1 3, इतना क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। देखो 3 हो जाएगा और 7 6 13 और 2 1 3, इतना केल्विन हो जाएगा। T1 इक्वल टू इतना केल्विन हो जाएगा बेटे। ये यहां पर इस बात को हमने कहा था कि आप लिख लो, ये क्या है, ओपन माउथ है। ये ओपन माउथ का मतलब ये जिस प्रेशर पर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और उस प्रेशर को हम P मान रहे हैं। वो प्रेशर कितना है, P मान रहे हैं, P1 की वैल्यू P। और कह रहा है कि अब इसी कंटेनर में जो गैस है, इस कंटेनर में जो गैस भरा हुआ बेसल को हीट करते हैं। इधर क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको हीट कर रहे हैं, इधर हीट कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, और हीट कर रहे हैं तो कह रहा है कि अब टेम्परेचर कितना हो गया इसका, टी हो गया। टेम्परेचर कितना हो गया है, टी हो गया है। जो कह रहा है उसी को करते चलिए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं हो रहा है। देखो टेम्परेचर कितना हो गया बेटा, T2 इक्वल टू वो टी हो गया, टेम्परेचर ऑफ टी हो गया हीट करने के बाद। लेकिन कह रहा है कि अब पहले जितना यहां पर डेंसिटी है वो ऐसा नहीं है, मतलब डेंसिटी कहने का मतलब मेरा नहीं, मतलब यहां पर कह रहा है पहले जितना एयर था उतना नहीं है, 1/4 पार्ट एयर यहां से स्कैप हो गया है ड्यू टू द हीटिंग प्रोसेस। तो यहां पर अगर मैं मान लू कि यहां पर एम मास, M1 इक्वल टू एम मास था एयर का, मास ऑफ एयर, मास ऑफ एयर, तो यहां पर अगर मैं कहूं कि अब कितना हो जाएगा मास ऑफ एयर, तो मास ऑफ एयर, तो एम यहां से इस एम का 1/4 पार्ट तो चला गया है, कहां चला गया है, वो स्कैप कर गया है, तो वो क्या हुआ है, स्कैप कर गया है, कितना चला गया है, एम इंटू 1/4 पार्ट इतना चला गया है M1 का, या मैं ऐसे कह दूं कि M/1/4 चला गया है, तो मास ऑफ एयर यहां इस वेसल के अंदर कितना बचा हुआ है, M2 इज इक्वल टू कितना बचा हुआ है, M मास था यहां पर और M/4 बाहर चला गया है, यानी कि 3/4 मास ऑफ एयर बचा हुआ है इसके अंदर, कंटेनर के अंदर, वेसल के अंदर अभी बचा हुआ है। ध्यान से समझो बेटे, अगर इसके अंदर M मास था और इसको हीट दिया, हीटिंग प्रोसेस हुआ, तो कह रहा है कि जितना मास था उसका 1/4 पार्ट बाहर स्कैप कर गया, स्कैप कर गया, तो अभी कितना मास ऑफ एयर बचा हुआ है, M2 इक्वल टू पहले जो मास था उसमें से इतना माइनस कर दो M/4, तो 3/4 M बचा हुआ है, अभी इसमें मास इतना बचा हुआ है। अच्छा ये भी देखो ध्यान से, कह रहा है ओपन माउथ ही है अभी, बंद बंद नहीं हुआ है ये, जब बंद नहीं हुआ है ना भैया, तो इसको क्या करना है आपको कि इसका भी प्रेशर वही लेना है जो इसका प्रेशर लिया है आपने, P2 इज इक्वल टू P ही होगा, यह भी एटमोस्फेरिक प्रेशर पर होगा। आपको यहां पर कंक्लूजन क्या मिला, की कॉन्सेप्ट क्या मिला इस क्वेश्चन में, की कॉन्सेप्ट ये मिल गया आपको कि यहां पर प्रेशर और कंटेनर भी वही है, दोनों वेसल भी सेम है, इसका भी वॉल्यूम V, इसका भी वॉल्यूम V, तो V1 का भी V है और V2 का भी V है, तो यहां से क्या कंक्लूजन मिला, यहां से क्या कंक्लूजन मिला आपको कि वॉल्यूम भी क्या है,
वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। तो आपको की कॉन्सेप्ट क्या मिला कि प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है, दोनों क्या है कांस्टेंट है, और प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट है, और गैस कौन सा है गैस, अच्छा कोई गैस का यहां नाम नहीं लिया है इसने, तो गैस का नाम नहीं लिया है तो हम लोग आइडियल गैस ही लगाएंगे कॉन्सेप्ट आइडियल, जब तक हम इसको रियल गैस इसलिए नहीं मान रहे हैं, रियल गैस होता तो रियल गैस का नाम ले लेता ये, तो आइडियल गैस का ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, आइडियल गैस ही मानकर चलेंगे। तो पीवी इज इक्वल टू क्या मानकर चलेंगे एनआरटी, क्या मानकर चलेंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पी भी हमारा कॉन्सेप्ट है और वी कॉन्स्टेंट है और वी भी हमारा कॉन्स्टेंट है और आर अपने आप में एक कॉन्स्टेंट है ही है, थोड़ा सा इसको और लिख लेते हैं, पीवी इक्वल टू और एन की वैल्यू होती है मास अपान मोलर मास और इनटू आर टी। अब आप देखें कि पी कांस्टेंट, वी कांस्टेंट और मोलर मास भी उस गैस का कांस्टेंट है जो स्कैप हुआ होगा और आर भी कांस्टेंट है, यानी कि केवल चेंज हो रहा है तो मास चेंज हो रहा है, इट मींस दैट हम कह सकते हैं कि एम वन और टी वन या एम और टी, स्मॉल एम और टी, और पूरा ये क्या हो गया है, ऐसे लिख रहा हूं मैं ऐसे, देखो इधर पी वी कितना हो जाएगा पी वी और कैपिटल एम मोलर मास और कैपिटल आर इक्वल टू ये एम और टी, ये स्मॉल एम और ये टी, और यहां से क्या मिल जाएगा एम और टी इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा हमको कांस्टेंट मिलेगा, क्या मिलेगा ये हमको मिल गया कांस्टेंट मिलेगा। अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं एम वन और टी वन इक्वल टू एम टू और टी टू, दो स्टेट में इस फार्मूले को लिख सकते हैं क्योंकि स्मॉल एम और टी को मल्टीप्लाई करके हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट आ रहा है, तो एम वन टी वन एम टू टी टू हो गया। एम वन की वैल्यू हम यहां पर मान चुके हैं क्या एम मान चुके हैं एम है, और टी वन की वैल्यू हम यहां पर क्या कैलकुलेट किया है थ्री 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 थ्री, तो क्या हो जाएगा बेटे अब आगे एम टू, एम टू तो हमको यहां पर कितना मिला हुआ है थ्री बाई फोर, कितना मिला हुआ है थ्री बाई फोर और स्मॉल एम, और टी टू, टी टू की वैल्यू भी हमको मिल गई है ये टी है, टी टू की वैल्यू टी है, तो एम से एम कैंसिल कर दो और टी इक्वल टू क्या करोगे थ्री 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 और इंटू फोर अपान थ्री थ्री, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कैंसिल करोगे वन 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 आ जाएगा, टी इज इक्वल टू कितना आ गया वन 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 इंटू फोर और टी इक्वल टू आ जाएगा फोर फोर फोर, और ये हमने डिग्री सेंटीग्रेड में कैलकुलेट किया कैल्विन में, ये कैल्विन में हो गया। अब अगर कैल्विन में देख लो ऑप्शन कोई है, अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है तो कोई अगर ऑप्शन नहीं है 444 कैल्विन का तो हम क्या करेंगे 444 माइनस 273 माइनस कर देंगे और ये डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाएगा, T इज इक्वल टू 4 में से 3 जाएगा 1 और 3 में से यानी कि 13 में से 7 जाएगा तो 6 और 3 में से 2 जाएगा तो 1 और ये कितना हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अभी भी कोई ऑप्शन नहीं मिला, क्या बात है भाई, 4 में से 3 जाएगा तो 1 और 14 में से 7 जाएगा तो 7, अच्छा ये 7 और 4 यहाँ 3 हो गया, 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो ये हमारा डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब ये आपका ये ऑप्शन सही हो गया, ये ऑप्शन आपका सही हो गया इस क्वेश्चन का, लेकिन जरा देखिए आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो 444 कैल्विन आ रहा है और ऑप्शन में भी है आपके, देखिए 444 कैल्विन लेकिन वहां पर है और यहां पर डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको मत टिक कर दीजिएगा, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि स्केल का डिफरेंस हो गया है, ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसका।